अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम कराची, जहां मैं पिछले कुछ 3 दिन से रह रहा हूं। प्रोग्राम तो मेरा और ज़्यादा रहने का था, लेकिन मैं जैसे ही कराची आया, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। मैं यहां बाहर निकला हूं अपनी वीडियो बनाने के लिए, और जैसे ही शाहराह फैसल पे आया हूं तो रश लगा हुआ, पता लगा जी मोबाइल स्नैच करके ले गए। तो मैं उस अभी आते ही मेरे सामने वो मतलब इस तरह का हुआ ना, तो मैं परेशान हो गया। मैं वापस होटल में आया, अपना सामान सारा रखा, मैंने कहा यार मैंने कराची शहर का नहीं बनाना, क्योंकि मेरा गोप्रो और ये ड्रोन और कैमरे वगैरह इक्विपमेंट ये इतने महंगे हैं ना, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं मसले में आ जाऊंगा। और मेरा अभी आगे सारा बलूचिस्तान और फिर आगे पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार ये रिस्क नहीं लेना। मैं कराची में लेकिन निकला हूँ, एक दिन गया हूँ, एक यहाँ जगह है फिश कटा कट मिलती है, माशाल्लाह फिश कटा कट, वो मैं अभी आ गया, आपको क्लिप आ जाएंगे वो देखिएगा। मैं वो खाने बस गया हूँ, वो भी अपना दूसरा मोबाइल लेके गया, उस पर क्लिप बनाए हैं, कोई चीज़ नहीं लेके गया, और इतना औखा होके गया हूँ ना कराची। मैंने देखा बाइक पे ना, मैं दोबारा आऊँगा लेकिन इस दफ़ा गाड़ी पे आऊँगा, क्योंकि बाइक पे यहाँ नहीं आप फिर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा डर होता है कि आपको हर टाइम लग रहा होता है कोई इधर से आके छीन लेगा, कोई इधर से आके छीन लेगा। तो रिस्क नहीं मैंने लिया इस दफ़ा, लेकिन मैं अभी आगे आऊँगा ना, फिर वो सारा देखेंगे। अभी यहाँ से मैं निकलने लगा हूँ, हम जाएंगे आज ग्वादर की तरफ, लेकिन रास्ते में कोई 3 से 4 पॉइंट है, वो सारे देखते हुए हम जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन अभी यहाँ से निकलने लगे हैं, इधर से हमें तकरीबन लग जाएंगे कोई 720-730 किलोमीटर्स हैं। तो कोशिश तो होगी, अगर टाइम लगता है ज़्यादा तो हम उमारा में रह लें, उमारा में रह लें, अगर नहीं तो फिर हम ग्वादर, अगर टाइम से बचा हुआ तो ग्वादर चले जाएंगे, रात को सफ़र नहीं करेंगे। और आज माइटी मकरान कॉस्टल देखते हैं, आगे मैं आपको बाइक पे बताता हूँ मैं यहाँ हुई क्या है, और आप ये वो कराची के फूड के देखें जो मैं कल गया था, लेकिन मैं इसमें लगा देता हूँ और फिर हम आगे निकलते हैं। कराची से अब अल्लाह का नाम लेते हैं और चलते हैं ग्वादर की तरफ। यहाँ मैं कराची का ना अभी आपको बताता हूँ सारा सीन, वैसा से हुआ क्या, यहाँ 3 दिन रहा हूँ। अभी पहले ना पेट्रोल भरवा लें, फिर निकलेंगे, जीपीएस भी मैं लगा लूँ उतर के। हाँ तो पेट्रोल पंप भी बंद था, अब आगे चलते हैं। ये शाहराह फैसल के ऊपर ही मेरा था होटल, अच्छा होटल था, साफ सुथरा था, बल्कि अच्छा था, कमरे भी बहुत अच्छे थे,
तीन दिन में रहा हूँ यहाँ। ये बड़ा किस्मत वाला मोबाइल है, इसके ऊपर से ट्रक गुजर गया, गाड़ी गुजर गई, अभी भी चल रहा है। यार गाड़ियां तेज आ रही हैं, जरा ध्यान ही कर लें। हाँ चलें जी, अब इधर से निकलते हैं। कराची का मेरा कोई इतना अच्छा नहीं रहा, असल में मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ वो मोबाइल स्निचिंग वगैरह तो होती है, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है यार, ग्रो प्रो मैंने लगाया। अगले दिन सुबह उठा, ये शहर है फैसल के ऊपर ही आया तो रास्ता लगा हुआ, पुलिस खड़ी थी मेरे होटल के एंड कॉर्नर पे। मैंने पूछा यार क्या हुआ, कहते जी अभी यहाँ से मोबाइल खींच के भाग गए। अब वो इतना एकदम आते ही सामने ये होना, मैं फौरी किया, मैंने जाके ना अपना गोप्रो उतारा, अंदर रखा मोबाइल भी अंदर रखा, ये वाला मोबाइल बैग में डाला, फिर मैं बाहर गया। फिर यहाँ रोड इतने ज़्यादा ख़राब थे, इतने ख़राब रोड थे, जहाँ अंदर वाली साइड पे गड़े थे और गंद, तो फिर मैं कहा यार बस, मैं उसी तरह ही फिर वापस रूम में आया हूँ, यहाँ रेस्ट किया है। ये बाय कायद के मज़ार में गया था, वो बंद था, 2 दिन हो गए हैं बंद है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही। चलो फिर मैंने किस्मत मान के मैंने कहा यार चलो यार चलते हैं। फिर मैं वापस होटल में गया, वहाँ ही रहा, वहाँ से आज निकला हूँ। अब ग्वादर चलते हैं। असल में इधर मैंने अभी रुकना तो था, मेरा प्लान तो था बड़ा लंबा चौड़ा कराची फिरने का, लेकिन ये हालात देख के यहाँ के घुटन सी होने लग गए। अच्छा यहाँ मेन रोड की फीलिंग जबरदस्त है, गलत तो नहीं आ गया, नहीं सही है। यह जी कराची की पोर्ट आ गई है, बड़ा कंटेनर बड़ा हुआ है यार इधर, अभी पता नहीं कौन सी है। यह तो मुझे कोई इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है, यहाँ का नाम नहीं मुझे पता, ना यहाँ लिखा आ रहा है, लेकिन पता लग रहा है कि फैक्ट्रीज है सारी, साइट साइट थाना साइट का एरिया। ये जी हब शहर के अंदर जा रहा है, यहाँ से हमने बाईपास पे हो जाना है। स्टेट बाईपास, यार मैं समझा वो सीधा बाईपास है, चले शहर के अंदर से ही होना बेहतर नहीं था। ये क्या है, कोई दरिया श्रिया है, दरिया तो नहीं, कोई नहर गंदा नाला ही लग रहा है मुझे तो, नहीं। चलो सूरज कोई प्यारा लग रहा है सुबह सुबह निकलता हुआ उधर से। ओए ओए ओए, कोई ठंड है, ये जहाँ फॉग आई है, ठंड वैसे भी है लेकिन ये फॉग वाले एरिया में तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एक कप यार चाय पी लें, ठंड मुझे लग रही है सुबह सुबह।
ले जी आ गया। ये देसी सी एक बनाई हुई है, मॉडल बनाया मतलब उसका, प्रिंसेस ऑफ होप का। ये जी हम मकरान कोस्ट, माइटी मकरान कोस्टल हाईवे पे जाने लगे हैं, जो मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी, बड़ा ही शौक था, अल्लाह ने आज पूरा किया है। ये आते ही टोल प्लाजा आता है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या लिखा है? स्पर्ट फाइंगोल कुंड मलीर 130, प्रिंसेस ऑफ होप 156। चलें जी इधर से चलते हैं। गवादर 508 किलोमीटर्स। चलें जी, अल्लाह ने करम किया तो आज कोशिश करेंगे, नहीं तो रास्ते में रुक जाएंगे, क्योंकि मेरा मूड नहीं है थक कर जाने का। आज मेरा मूड है आराम आराम से सारा देखता हुआ जाऊंगा। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। अजी जी मैं एंट्री करवा लें यार इधर। ले जी यहाँ एंट्री करा ली, ले आ रही है ये भी, लेकिन ये है बलूचिस्तान का, ले आ रही लसबेला का। अब चलते हैं इधर से आगे। लो जी पहाड़ भी आने लग गए, पहाड़। अभी 10 बजने वाले हैं, अभी भी हवा के तो ठंडा के पीछे, अब थोड़ी कम हो गई है, पहले बड़ी ज्यादा थी, बड़ी ठंड लग रही थी। सीधा रोड है, जाई जा रहा हूँ, जाई जा रहा हूँ, सीधा बिल्कुल रोड है। सुस्ती आने लगी होती है इस तरह के रोड पे है, लेकिन आगे जाके जो सीन है उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये है जी हिंगोल नेशनल पार्क, जो पाकिस्तान के नेशनल पार्क में मेरा ख्याल खूबसूरत तरीन वाले में से एक है। देवसई नेशनल पार्क है, उसके अलावा शंदूर नेशनल पार्क, इस तरह मतलब मुख्तलिफ नेशनल पार्क है, लेकिन ये भी उनकी लिस्ट में है जो खूबसूरत तरीन और एक वाकई अजूबा है। ये भी शुरू हुआ है, आगे बहुत इसके चीज़ें हैं। हिंगोल में रखा हिंगलाज माता का एक मंदिर है, उस नाम से मेरा इसे हिंगोल कहते हैं, और वो इंडियंस के नज़दीक मतलब इंडियंस कह रहा हूँ सॉरी, हिंदू मजहब के जो मानने वाले लोग हैं उनके नज़दीक बड़ी एक उनकी मुकद्दस जगह मानी जाती है हिंगलाज माता का मंदिर। यहाँ आते भी हैं लोग, अक्सर पैदल आ रहे होते हैं इधर, आजकल शायद ना आते हो, आजकल इनके कोई नहीं होता, नहीं तो त्योहार पे तो बहुत ज्यादा लोग और मन्नत मानते हैं। यहाँ मड वेल वॉल्केनो आने आगे जाके वहाँ आते हैं, वहाँ अपने नारियल, मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ फिर आपको पता लगेगा। और क्या पहाड़ों के रंग है यार, वाइट सिल्वर और मिट्टी के रंग के। यहाँ हर 15-20 किलोमीटर पर ना पुलिस की चेक पोस्ट है, जहाँ मैंने एंट्री कराई थी ना उसने कहा सर बेफिक्र होके जाए, कोई हो काम
आपने मुझे बताना है। ओहो मडवाल के नो इधर से हम आगे गुजर आए। एक सेकेंड, मड वालकनो 4 किलोमीटर यहाँ चलते हैं, मड वालकनो देखने हैं जी हमने। ये पता नहीं रोड जब भी हो, जो कोई भी आता है आप उसकी वीडियो देख के पिक्चर्स देख के रोड टूटा ही होता है। ये पता नहीं बनाते ही ऐसे कि एक हल्की सी बारिश है ये रोड टूट गया। मेरे ख्याल इनका कंस्ट्रक्टर वही है खट्टा मीठा मूवी वाला, टिचकुले एंड टिचकुले वाला। चले यहाँ से चलते हैं आगे देखते हैं, नजदीक ही है, इतने दूर तो है नहीं, 4 किलोमीटर है टोटल। कोई शुक्र है कोई तो बंदा दिखाई दिया इधर, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? ये वहां जाने का रास्ता कौन सा है? ये सामने वहाँ। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये रोड जाते है? हाँ हाँ जी हाँ जी, सीधा चले। शुक्रिया भैया। हमें भी नीचे ही उतरना पड़ना है, देखते हैं यहाँ से उतरे के पीछे से आए। ओए होए रेत। लेकिन यहाँ गाड़ियां जाती रही है ना, तो शायद दबा हुआ है, तो हम जहाँ गाड़ियों के निशान है ना वहीं चलाएंगे और वहां चलते हैं। वहाँ मेरा का स्टेयर्स या कोई ट्रैक बना हुआ है नजर आ रहा है, चलें चल के देखते हैं। ले जी आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ ना कोई जगह देखे यार, चलो जी। मेरे को साफ करके फिर दोबारा बेचते हैं के। अच्छा, अब मैं खड़ा हूँ मडवाल कहने पे, बड़ी ऊंचाई पे है, मेरी बस हो गई है, आते आते 15-20 मिनट लग गए मुझे। लेकिन आज जो है ना, क्योंकि पिछले दिनों जब मैं पहले से फिर गया था ना बाइक टूर पे, मैंने ट्रैकिंग की थी तो सांस फूला था मैंने, उसके बाद सैर ज़्यादा कर दी थी अपनी और चलना फिरना ज़्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से अब ना बेहतर रहा है, पहले नहीं तो बहुत ज़्यादा होता था। ये पीछे एक सेकेंड, ये पीछे मेरे मड वालकनो है, जहाँ हिंदू क्या कहते हैं जो निकले होते हैं, निकल देखने के लिए, उन्हें ज़्यारत करने के लिए निकले होते हैं, वो ज़्यादातर आते हैं यहाँ, नारियल फेंकते हैं और मन्नत मांगते हैं। नीचे एक लड़का नारियल खा रहा था, एक ही आदमी है यहाँ पूरा, एक मैं हूँ एक वो है, बाकी ये पूरा एरिया ही खाली है, वो नीचे नारियल खा रहा था। मैं कहा यार
कहता वो यहाँ ऊपर से निकाल ले। मैं कहा तू तो लोगों की 2-3 मंते खा गया है, ऐसा ही इस तरह ना कर। अभी पीछे यहाँ दो हैं, एक ये है एक बिल्कुल वो सामने है, एक पीछे तीसरा भी था वो खत्म हो गया हुआ है। ये भी अजूबा ही है देख ले, मैंने कहा था ना मकरान का हॉस्टल हाईवे एक अजूबा, यहाँ क्या क्या चीजें हैं। अभी आगे चलते हैं, ये अब इसके ड्रोन शॉट्स देखें और एरिया। यहाँ से स्पॉट बीच भी है लेकिन वो सामने पानी खड़ा है, अगर आपको नजर आ रहा हो, रोड नहीं है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं कुंड मलीर की तरफ।